वेलकम टू तौरात, माय नेम इज साइमा सुल्तान। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन ऑन हिजाब बैन। सो इस केस के बारे में जानने से पहले लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये केस लॉ 15 अक्टूबर 2022 को आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, जैसे की जुडिशियरी, यूपीएससी एंड क्लैट पीजी। यहाँ पर जो क्लैट पीजी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट 3 इयर्स से क्वेश्चन पेपर आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बेस्ड आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस केस का नाम क्या है? आयशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, जिनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु पुरी। यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिए कि ऑनरेबल जजेस के नाम ही इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सच एज जुडिशियरी एंड क्लैट पीजी। ओके, सो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। सो कहानी शुरू होती है 5 फरवरी 2022 को, जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड उस यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क पहनना अलाउड नहीं है, जैसे कि हिजाब या सैफरन शॉल, कोई भी इस तरह का कपड़ा स्कूल में पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होनी चाहिए। अब क्या होता है, ये ऑर्डर चैलेंज करती है कुछ लड़कियां बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट, बिकॉज दे वांटेड टू वियर हिजाब इन द स्कूल ऑल्सो। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने 11 फरवरी 2022 को एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, ये कहते हुए कि कोई भी रिलीजियस सिंबल स्कूल में कैरी करना अलाउड नहीं है। उसके बाद डिसीजन आता है कर्नाटका हाई कोर्ट का बाय द 3 जजेस। तो 3 जजेस बेंच ने हिजाब बैन को अपहेल्ड किया, ये कहा कि ये बैन सही है क्योंकि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होनी चाहिए और हम किसी भी स्टूडेंट को अपना रिलीजियस सिंबल स्कूल में कैरी करने की परमिशन नहीं दे सकते। देन दिस केस केम टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया है क्योंकि वो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको स्कूल के अंदर भी हिजाब पहनने की परमिशन मिलनी चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं। सो आइए देखते हैं कि पहला पार्ट ऑफ जजमेंट जो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने दिया है। सो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस केस में 11 इश्यूज फ्रेम किए एंड अराउंड दोज इश्यूज उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। सो फर्स्ट इशू वाज रिगार्डिंग आर्टिकल 25। सो हमारा आर्टिकल 25 ये कहता है कि सभी लोगों को हिंदुस्तान के अंदर अपना धर्म का प्रचार करना अलाउड है, वो ऐसा कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रावधान है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध जो लगाया गया है इस केस में वो यूनिफॉर्म के फॉर्म में लगाया गया है, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, तो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और उनको हिजाब पहनने की परमिशन नहीं होनी चाहिए विद इन द क्लासरूम और स्कूल प्रेमिसेस। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो हिजाब बैन है ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि इससे इक्वालिटी प्रमोट हो रही है रादर देन अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि हिजाब पहनना एक रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, इस बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस स्टेट इंस्टीट्यूशंस में अलाउ नहीं की जा सकती, बिकॉज ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सेक्युलर इंस्टीट्यूट होते हैं, तो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को स्कूल के अंदर प्रमोट नहीं किया जा सकता या उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, हिजाब बैन से उस आर्टिकल का वायलेशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि विद इन द स्कूल प्रेमिसेस ही लगाई गई है। तो स्कूल के बाहर गर्ल स्टूडेंट्स हिजाब पहन सकती हैं, इट इज ओनली विद इन द स्कूल कि उनको यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स वेयर करने होंगे एंड हिजाब इज नॉट अलाउड। सो आर्टिकल 19 का भी वायलेशन नहीं हो
थोड़ा आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 भी वायलेट नहीं हो रहे एज पर ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है वो सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की चॉइस है कि अगर उन्हें पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो दूसरे स्कूल्स में एजुकेशन सीख कर सकते हैं, बट स्टिल हिजाब बैन जो है वो वैलिड है बिकॉज दिस इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सभी ग्राउंड्स पर ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सभी अपील्स एंड रिट पिटीशंस को डिसमिस किया और कर्नाटक हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया और ये कहा कि जो हिजाब बैन है स्कूल के अंदर इन सेक्युलर स्कूल्स मेंटेन्ड बाय द स्टेट वो वैलिड है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इस केस में दूसरा जजमेंट दिया है वो दिया है ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु गिरियानी और उन्होंने अपना ओपिनियन डिफरेंट ग्राउंड्स पर बेस किया है। आइए देखते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु ने क्या कहा है। उनका कहना है कि स्कूल्स में डिसिप्लिन जरूरी है नो डाउट एंड उसके लिए यूनिफॉर्म भी जरूरी है, बट हम डिसिप्लिन को डिग्निटी के कॉस्ट पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। और अगर किसी गर्ल चाइल्ड को ये बोला जाता है कि आप स्कूल के गेट पर आकर अपना हिजाब उतार कर रख लें, उसे अंदर कैरी नहीं कर सकते, देन दिस इज अ वायलेशन ऑफ डिग्निटी एंड प्राइवेसी। ये एक इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स का वॉयलेशन है और हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे कि हिजाब पहनना एक रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, पर ये एक मैटर ऑफ चॉइस है, एक गर्ल चाइल्ड की चॉइस है कि वो अगर स्कूल के बाहर हिजाब पहन सकती है तो स्कूल के अंदर भी उसे हिजाब पहनना अलाउड होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज अ वॉयलेशन आर्टिकल 19 एंड 21। सो इन ग्राउंड्स पर ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया ने बोला कि हिजाब बैन इन द स्कूल इज नॉट अलाउड, कि नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उनका कहना ये था कि स्टूडेंट्स जब स्कूल में होते हैं तो उनको टॉलरेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है एंड अगर वो अपने अराउंड डाइवर्स कल्चर को देखेंगे देन टॉलरेंस पावर उनमें एनहेंस होगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हिजाब बैन वैलिड नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु ने क्या कहा। ही ऑल्सो सेड कि हिजाब बैन जो है वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, इन्वेजन ऑफ डिग्निटी है एंड अल्टीमेटली राइट टू एजुकेशन का भी वॉयलेशन करता है, क्योंकि बहुत सारे गर्ल चाइल्ड ऐसे हैं जिनके लिए एजुकेशन सीख करना प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। उस सिनेरियो में अगर गर्ल चाइल्ड को ये बोला जाएगा कि आप स्कूल में हिजाब नहीं पहन सकते, देन अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन सीख नहीं कर पाएंगे इन दोज गुड इंस्टीट्यूट्स, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। सो अल्टीमेटली हिजाब बैन से राइट टू एजुकेशन एक लार्ज स्केल पर हैम्पर होगा एंड ऑन दोज लाइंस ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि हिजाब बैन शुड नॉट बी देयर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब हम ये जानते हैं कि इस जजमेंट का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है। जैसा कि आपने देखा कि दो जजेस ने डिफरेंट ओपिनियंस लिए हैं, एक जज जस्टिस ने कहा है कि हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ दूसरी जज ने कहा है कि हिजाब बैन होना चाहिए इन स्कूल प्रेमिसेस। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन है, क्योंकि ये दो जजेस का फैसला है इसलिए डिसीजन फाइनल तभी हमें मिल पाएगा जब एक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी। सो प्रेजेंटली द मैटर इज बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वो डिसाइड करेंगे कि अब कौन सी बेंच इस मामले का फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग टू यू एंड सी यू, टेक केयर, बाय गाइस।